हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमृता। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूँ स्टारबक्स बनाना ब्रेड की, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और एक हेल्दी रेसिपी है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। बनाना ब्रेड में हम ज़्यादा पके हुए केले का यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो ज़्यादा पका हुआ नहीं है। इसके लिए मैंने इन केले को 2 मिनट माइक्रोवेव कर लिया है फुल हीट पर, और ये ओवरराइप हो गए हैं। इन्हें हम ठंडा होने के लिए साइड रख देते हैं। अब हम एक बाउल लेते हैं, बाउल के ऊपर एक छन्नी रखते हैं। छन्नी में हम 1.5 कप या 175 ग्राम मैदा लेते हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 पिंच नमक, 1/4 छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर ले लेते हैं, और इन सभी को हम छानकर बाउल में डाल लेते हैं। अब हम 1/3 कप या 35 ग्राम भुना हुआ अखरोट लेते हैं। वो नॉर्मल अखरोट को लेकर छोटे छोटे पीसेस कर और उसे 4-5 मिनट पैन पे सेक लिया है। अखरोट को हम मैदे में मिक्स कर देते हैं और इसे एक फोर्क क्या स्पून की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हम एक दूसरा बाउल लेते हैं और इसमें 1/2 कप दही ले लेते हैं, और अब इसमें हम 3/4 कप या 100 ग्राम पिसी हुई चीनी लेते हैं। इन दोनों को हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 1/2 कप या 120 ml रिफाइंड ऑयल या कोई भी ऑयल जिसमें स्मेल नहीं हो ले लेते हैं, और दोनों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि ऊपर से ऑयल दिखना बंद हो जाए। इस प्रोसेस में 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दही, चीनी और ऑयल का मिश्रण तैयार हो गया है। अब हम एक तीसरा बाउल लेते हैं, जिसमें जो हमने केले माइक्रोवेव में पकाए थे उसको छीलकर ले लेते हैं। तो हमने 3 मीडियम साइज़ के ओवरराइप केले को छीलकर एक बाउल में ले लिया है, और फोर्क के पिछले हिस्से की सहायता से हम केले को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसमें भी 4-5 मिनट का टाइम लग जाता है। केले को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसे भी साइड रख देते हैं, और अब हम बेकिंग टिन को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 8 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा ब्रेड टिन लिया है, और इसमें 1 छोटा चम्मच ऑयल डाल देते हैं और ब्रश से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर को बॉटम के साइज़ में काट कर इस पर लगा देते हैं, और ब्रश से वापस हम पार्चमेंट पेपर को भी ग्रीस कर देते हैं, और हमारा केक टिन रेडी हो गया है। अब हम बैटर को रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदे वाला बाउल लिया है, और इसमें मैश किए हुए बनाना को डाल देते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं। तो मैदा और बनाना को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें हम चीनी, दही और ऑयल के मिश्रण को इसमें मिक्स करेंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा करके मिश्रण डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह हमने सारे मिश्रण को 3 से 4 बार में डाल दिया है, और इसे मिक्स करते हैं। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच वनीला एसेंस डालते हैं। ये मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो इसे आप ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। तो इसमें अब सभी चीज़ों को हम एक स्पैचुला की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि मैदा दिखना बंद ना हो जाए। तो हमारा बैटर भी रेडी हो गया है। इसे अब हम प्रिपेयर किए हुए टिन में डाल देते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, नहीं तो डिसलाइक का बटन दबाएं। बैटर को हमने टिन में अच्छे से पोर कर लिया है। स्पैचुला या चम्मच की सहायता से हम बैटर को लेवल में कर लेते हैं। बनाना ब्रेड
के बैटर को लेवल करने के बाद हम एक तिहाई कप या 35 ग्राम अखरोट लेते हैं और अखरोट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इन कटे हुए टुकड़ों को अब हम बैटर के ऊपर डाल लेते हैं। इन्हें हमें भूनना नहीं है क्योंकि ये बेक करने में खुद ही भुन जाएंगे। टिन को हम 2-3 बार टैप कर लेते हैं और 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीटेड ओवन में 50 मिनट बेक करते हैं। 50 मिनट के बाद मैंने चेक किया, ये हमारा बनाना ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार है। ब्रेड को मैंने 1 घंटा ओवन में ही छोड़ दिया और 1 घंटे के बाद इसे एक नाइफ़ की सहायता से साइड से लूज़ करके फिर एक प्लेट में डिमोल्ड कर लिया है और बटर पेपर को हटा दिया। तो हमारा बनाना ब्रेड बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए इसका टेक्सचर, ये कितना अच्छा बना है। आप इसे बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।